Good morning students. Today I will explain about subtraction. Subtraction means ghatana. So you have to open page number 49 in your term book. Subtraction. Count and subtract. One has been done for you. ये कुछ आपको वेजिटेबल हैं जिसमें आपको देखना है, काउंट करना है और उनमें से कितनी टेक अवे, कितनी ले ली गई और कितनी इसमें बची हैं. इसमें देखेंगे आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 इज ऑलरेडी गिवन हियर एंड टेक अवे इनमें से 15 में से कितनी ले ली गई, 12. तो इसमें कितनी बचेंगी, तो 12 को आप देखेंगे, ये देख 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ले ली गई, तो अब बची कितनी है उनको काउंट करेंगे हम. अब इसमें से बची है कितनी, 3, 1, 2, 3, तो आंसर क्या होगा, 3. आंसर इज ऑलरेडी गिवन 3. क्वेश्चन इज फ्रॉम टेक अवे इट लीव. फ्रॉम का मतलब से, इनमें से ये जो दी हैं इनमें से, टेक अवे इनमें से कितनी ले ली गई हैं और लीव्स बची कितनी है हमको ये चेक करना है. तो आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 टोटल कितनी है ये, 16. और यहाँ पर काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ले ली गई हैं, तो आपको बताना है कि कितनी बचेंगी. तो 16 तो टोटल यहाँ पर हैं, अब इसमें हम 16 में 12 को कट कर देंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अब रिमेनिंग आर लेफ्ट, कितनी बची हैं, 1, 2, 3, 4 सो आंसर विल बी 4. आंसर क्या होगा, 4 हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बॉल कितनी बनी हुई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 में से 10 ले ली गई हैं. 20 में से कितनी ले ली गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हमने यहाँ लिख दिया. अब 10 को हम काट देंगे, क्रॉस कर देंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हमने ये निकाल दी. अब जिनमें लाइन नहीं है वो कितनी है उनको हम काउंट करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो आंसर क्या होगा इसका, 10 ही होगा. आंसर क्या होगा, 10. अब यहाँ पर यूज द स्टिक्स टू फाइंड द करेक्ट आंसर, वन हैज बीन डन फॉर यू. अब यहाँ देखिए 12 से 6 को सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो यहाँ पर 6 आया है. अब ये 17 में से 10 करना है, 17 में से 10 करना है, तो इसका एक तरीका है. एक तो ये है कि 17 लाइन ड्रॉ की जाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 इसमें से हमको 10 लाइन को कट करना है. 10 लाइन सपोज हमने ये कट कर दी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अब 10 के बाद में बची कितनी है हम काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ही बची हैं. कितनी बची हैं, 7. तो ये तो बहुत लंबी प्रोसेस हो गई. इससे अच्छा हम ऐसा कर सकते हैं कि जो भी नंबर छोटा नंबर है जिसको सब्ट्रैक्ट किया गया है उसके बाद में हम लाइन ड्रॉ करेंगे. कहाँ तक करेंगे कि जो बड़ा नंबर तब तक आ ना जाए. यहाँ 10 है, 10 के बाद लाइन ड्रॉ करो, 17 आ जाए, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 आ गया. इन लाइन को बस हम काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये हमारा आंसर हो जाएगा. अब यहाँ 19 है, 13 है, तो हम 13 के बाद में लाइन ड्रॉ करेंगे कि 19 आ जाए.
आप काउंट करेंगे देखो 14, 15, 16, 17, 18, 19, कितनी लाइन हमने ड्रॉ की काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, आंसर विल बी 6। इन सेम वे नेक्स्ट यहाँ पे 7 और 14 है, 14 से 7 गया है, तो 7 के बाद में हम लाइन ड्रॉ करेंगे कि 14 आ जाए, 7 के बाद में 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, दीज लाइन शुड बी काउंटेड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आंसर क्या हुआ 7। अब यहाँ 15 माइनस 9 है, 9 के बाद में हमको इतनी लाइन ड्रॉ करना है कि क्या आ जाए 15, 10, 11, 12, 13, 14, 15, काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, आंसर 6। अब यहाँ 20 एंड 15, तो 15 के बाद में हमको लाइन ड्रॉ करना है कि 20 आ जाए, कैसे करेंगे 16, 17, 18, 19, 20, हाउ मैनी लाइन्स आर हियर 1, 2, 3, 4, 5, आंसर विल बी 5, आंसर विल बी 5। तो इस तरह से आपको सब्ट्रैक्शन करना है, यूज द नंबर स्ट्रिप्ट गिवन बिलो द सब्ट्रैक्ट दिस नंबर, ये जो आपको नंबर दिख रहे हैं इनको क्या करना है, नंबर लाइन के अकॉर्डिंग आपको स्किप करना है। स्किप कैसे करना है, अभी आपने नंबर स्ट्रिप एडिशन में पढ़ी थी तो जंप करके आगे जा रहे थे, अब हम बैक होंगे। ये 15 माइनस 12 है, हमारी पेंसिल कहाँ पर है 15 में, हमको 12 टाइम जंप करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, हम कहाँ पर आ गए 3 पर, हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा 3। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन 16 माइनस 7, हमारी पेंसिल 16 पे होगी, हम 7 टाइम जंप करेंगे, कितने टाइम जंप करेंगे 7 टाइम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हम कहाँ पर आए हैं अभी 8 पर, तो हमारा आंसर 8 ही होगा। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 माइनस 10, नंबर स्ट्रिप्स के अकॉर्डिंग हम 13 पर अपनी पेंसिल रखेंगे और 10 टाइम्स जंप करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हमको एक बार में एक ही नंबर पे जंप करना है, हम डबल नंबर पर जंप नहीं करेंगे, आंसर हमारा क्या है यहाँ पर 3, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर 3। सेकेंड क्वेश्चन 14 माइनस 6 मीन्स 14 कहाँ पर है, हमने यहाँ पेंसिल रखी 6 टाइम हमको जंप करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, हमारी पेंसिल कहाँ पर आई 8 पर, आंसर विल बी 8। अब यहाँ पर 17 पर यदि हम पेंसिल रखेंगे तो कितने टाइम जंप करेंगे हमको 14 टाइम जंप करना है, तो 14 टाइम जंप करेंगे तो आंसर क्या होगा हम चेक करेंगे, 17 पर हमारी पेंसिल है ये, 17 से हम करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 से हमने 14 टाइम जंप किया है, हम कहां पर आए हैं 3 पर, आंसर विल बी 3, आंसर क्या हो जाएगा 3 लिखना है। अब यहां 12 और 9 को हमको देखना है, हमको हमारी पेंसिल कहां पर रहेगी 12 पर रख सकते हैं, 12 पर हम हैं पेंसिल हमारी, और 9 टाइम जंप करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, हम किस नंबर पे आए हैं 3 पर, आंसर विल बी 3। इसी तरह आपको ये 20 माइनस 5 करना है, अब ये इसके अकॉर्डिंग 20 पे हमने पेंसिल रखी और 5 टाइम जंप करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, आंसर 15 आएगा क्योंकि हम 15 नंबर पर पहुंचे हैं। 18 माइनस 10, 18 पर हमने पेंसिल रखी तो 18 में 1
18 से हमको 10 टाइम्स जंप करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम कहाँ पर आए हैं अभी, 8 पर। हमारा आंसर क्या जाएगा यहाँ पर, 8। अब ये 18 माइनस 15 है तो हमारी पेंसिल कहाँ पर जाएगी, 18 पर, और 15 टाइम्स जंप करेंगे। कितने बार जंप करना है हमको, 15 टाइम्स जंप करना है 18 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हम आए कहाँ पर, 3 पर, तो आंसर क्या हुआ यहाँ पर, 3। इस तरह से आपको ये नंबर स्ट्रिप का इस्तेमाल करना है। अब ये जो सब्ट्रैक्शन है, सिलेक्ट द फॉलोइंग बाय ड्राइंग एंड क्रॉसिंग आउट द स्टिक, वन हैज बीन डन फॉर यू। ये फर्स्ट वाला आपको करके दिया हुआ है, लाइन को खींच के और कट करना है। अब ये आप देखेंगे, ये जो दिया है 16 माइनस 14, इसके अकॉर्डिंग आपको दो तरीके हैं। एक तो 16 लाइन ड्रॉ करेंगे तो 14 कट करेंगे, लेकिन वो बहुत लंबी प्रोसेस है, उसमें बहुत देर तक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगी। अभी हम ये वन स्टेंस वाली करेंगे, ये 6 है, 6 लाइन के लिए 6 खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6, और ये 4 है, 4 लाइन हम कट कर देंगे, 1 2 3 4, लाइंस आर लेफ्ट 2 ओनली, 2 लिखेंगे, 1 में से 1 जाएगा तो ये 0 ही आएगा। इस तरह से यहाँ पर भी आप देखेंगे 7 दिया हुआ है, 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, इस 7 में से हमें 1 लाइन को कट कर दिया, रिमेनिंग लाइन्स यू हैव टू काउंट, 1 2 3 4 5 6, यहाँ आंसर 6 आएगा, और 1 में से 1 जाएगा तो ये 0 ही आएगा। इस तरह से आपको, ये इजी मेथड है, आपको इजी तरीके से करना है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 माइनस 2, 6 के लिए 6 लाइन, 1 2 3 4 5 6, 2 के लिए एक लाइन कट करेंगे, 1 2, लेफ्ट लाइन कितनी है, 1 2 3 4, और 1 माइनस 1, यहाँ पर 0 ही आएगा। यहाँ पर 20 माइनस 17 है, तो अब इतने 0 का 10, ये भी आपको बोरो वाली प्रोसेस पढ़ाई नहीं जाएगी। तो आपको या तो क्या कर सकते हैं, 20 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और 17 कट कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका क्या है, 17 ऑलरेडी दिया है, 17 के बाद में हम इतनी लाइन ड्रॉ करें कि 20 आ जाए, जो अभी हमने एक्सप्लेन किया, 17 के बाद 18 19 20, ओनली 3 लाइन, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, 3। यहाँ पर देखेंगे, और ये सरल तरीका है, यदि आप कर सकें, ये 11 है 17 है, 11 के बाद में हम इतनी लाइन ड्रॉ करेंगे 17 आ जाए, 11 के बाद 12 13 14 15 16 17, लाइन ड्रॉ वाली लाइन हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, आंसर क्या हो गया, 6। यहाँ पर 0 आ सकता है क्योंकि यदि अलग अलग करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 माइनस 7, हमको 7 के बाद में इतनी लाइन ड्रॉ करना है कि 13 आ जाए, तो हम चलिए 7 के बाद 8 9 10 11 12 13, 13 आ गया। अब लाइन को हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, आंसर विल बी 6। नाउ वर्ड प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स में हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, 4 चिल्ड्रन वेयर स्विमिंग इन अ पूल, 3 मोर चिल्ड्रन डाइव्ड इन टू द पूल, हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन द पूल नाउ। 4 बच्चे ऑलरेडी वो स्विमिंग पूल में तैर रहे हैं और 3 बच्चे और आके तैरने लगे, तो टोटल बच्चे कितने होंगे। 4 बच्चे आपको दिख रहे हैं, ये 4 ही स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे हैं, 4 चिल्ड्रन, 3 मोर चिल्ड्रन डाइव्ड, और 3 और बच्चे उनमें आ गए पूल में, तो टोटल कितना होगा, 4 + 3 करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 4 and 3 more, 3 और आ गए, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7, हमको काउंट करके लिखना है, 4 + 3 7। ये पिक्चर में आप देखेंगे, प्रतीक बाय 6 बैलून, प्रतीक ने ये कितने बैलून खरीदे थे पहले, 6 फ्रॉम द शॉप एंड 5 बैलून्स फ्रॉम अनदर शॉप, और 5 दूसरे वाले दुकान से, तो टोटल कितने हुए उसके पास में,
हम इनको काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, टोटल कितने होंगे 11, तो आंसर क्या होगा 6 प्लस 5, 6, और यहां पर 5, यहां पर 11, यहां पर प्लस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव है 6 पेन, मानव के पास में कितने पेन है 6, ही बॉट 4 मोर, हाउ मेनी पेन्स डज ही हैज नाउ, उसके पास कितने पेन थे 6, 6 हम यहाँ लिखेंगे और उसने 4 और बाय कर लिए, तो 6 प्लस 4 कितना होगा 10, आंसर इसका क्या होगा 10। इस तरह से आपको ये वर्ड प्रॉब्लम करना है। 9 गर्ल्स ऑफ द फर्स्ट ग्रेड वेयर वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, कितनी गर्ल्स फर्स्ट ग्रेड वाली वॉक कर रही हैं 9, एंड 6 गर्ल्स ऑफ द सेकेंड ग्रेड ऑल्सो केम एंड ज्वाइन देम, और 6 गर्ल और आ गई सेकेंड ग्रेड वाली, तो हमको क्या करना है 9 प्लस 6 को ऐड करना पड़ेगा, तो ये बताना है हाउ मेनी गर्ल्स आर वॉकिंग ऑन द ग्राउंड ऑल टूगेदर, टोटल गर्ल्स कितनी हैं जो ग्राउंड में वॉक कर रही हैं, 9, 9 प्लस 6 टोटल कितनी होंगी 15। नेहा हैड 1 डजन कलर पेंसिल, सी बॉट 3 मोर, एक दर्जन पेंसिल, एक दर्जन मीन्स क्या होती है 12, 1 डजन मीन्स क्या होता है 12, एंड 3 मोर, सी बॉट 3 मोर, हाउ मेनी कलर पेंसिल डज नेहा हैव नाउ, एक दर्जन उसके पास में कलर पेंसिल है, उसने 3 और ले आया, सी बॉट 3 मोर, तो 12, एक डजन में कितने होते हैं 12, और उसने 3 और ले आया है, तो क्या होगा टोटल काउंट करेंगे 15, टोटल कितना होगा 15। नाउ नेक्स्ट, रीड एंड फिल इन द बॉक्स, यसिता हैज 13 पेंसिल, यस टुक 9 पेंसिल, नाउ यसिता हैज पेंसिल विथ हर, 13 पेंसिल यसिता के पास में और यस ने 9 पेंसिल ले ली, तो क्या करेंगे हम 13 लिखेंगे ये बॉक्स में, यहाँ पर 1 और 3 और यहाँ पर 9 नीचे लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 13 माइनस 9, तो 13 माइनस 9 मीन 9 के बाद काउंट करेंगे कि 13 आ जाए, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, आंसर विल बी 4, आंसर क्या होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 चिल्ड्रन went to zoo, एक जू देखने के लिए कितने लोग गए 16 बच्चे, और 9 ऑफ देम वेयर बॉयज, हाउ मेनी गर्ल्स वेंट टू द जू, 16 बच्चे थे, 16 ये बच्चे हैं, इनमें से 9 बच्चे जो हैं वो बॉयज हैं, तो हमको क्या करना है गर्ल्स निकालना है, 16 माइनस 9, तो 16 माइनस 9 मीन्स 9 के बाद काउंट करेंगे कि 16 आ जाए, सपोज ये हमको क्वेश्चन है, 9 के बाद काउंट करेंगे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, कितने हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आंसर क्या हो गई 7, 7 गर्ल्स वेंट टू द जू, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी 7। देयर वेयर 20 एप्पल्स, एक टोकरी में कितने हैं 20 एप्पल्स, एंड 14 एप्पल्स वेयर ईटन, 20 में से 14 14 एप्पल खा लिए गए, हाउ मैनी एप्पल्स वेयर लेफ्ट, अब 14 और 20, तो 20 हम लिखेंगे यहाँ पर, ये जो टेंस वंस दिया है इस तरह से टेंस वंस हमने 20 लिखा और 14 को हम काउंट कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 14 के बाद में कैसे करेंगे 14 के बाद में हम लाइन ड्रॉ करेंगे कि 20 आ जाए, 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आंसर क्या हो गया यहाँ पर 6। नेक्स्ट आप देखेंगे, इन अ नेकलेस देयर वेयर 16 बीड्स, बीड्स में यानी दाने उसमें जो होते हैं, 13 बीड्स ब्रोक ऑफ, हाउ मेनी बीड्स वेयर लेफ्ट, उनमें 16 बीड्स दिए हुए उसमें 13 क्या हो गए
गिर गए या टूट गए तो कितने बचेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं, इसी में हम करते हैं, ये 16 बीट्स हैं, इसमें से 13 गिर गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 बीट्स यहाँ पे गिर गए हैं। अब जो नहीं गिरे हैं वो कितने हैं, इनको काउंट करेंगे, 1, 2, 3 कितने होंगे, 3, 16 में से 13 बीट्स टूट गए, तो यहाँ पर क्या होगा, आंसर 3 आएगा। और इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, 16 माइनस 13, और नीचे लिखेंगे हम 3। तो ये हुए आपकी वर्ड प्रॉब्लम। अब ये क्वेश्चन क्या है, सर्किल एनी टू गेट द टोटल एज 10, वन हैज बीन डन फॉर यू। ये आपको दिख रहा है, ऐसे 3 नंबर चूज करना है जिनका टोटल 10 आ रहा है, जैसे ये 4 प्लस 3 प्लस 2, ये 4 प्लस 3 प्लस 2, ये 9 हो रहा है, तो ये नहीं आएगा। हमको 3 नंबर देखना जिसमें 10 आए, जैसे ये 7 प्लस 2 प्लस 1, ये 10 आ गया। और भी जो हमको देखना है, ग्रुप बनाना है कि कितने नंबर हों कि जो 10 आ जाए, जैसे ये 4 प्लस 3 प्लस 7, ये भी 10 होगा। साइड में भी कर सकते हैं और वैसा भी कर सकते हैं। और यदि इसको हटा दिया जाए तो ये 4 प्लस 4 प्लस 2, ये भी 10 हो सकता है। अंडरस्टैंड, इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है ये बॉक्स को। नेक्स्ट, थिंक एंड सॉल्व। 8 में इस तरह एरो है, 8 में 7 प्लस किया तो 15 आया, 15 में से 7 प्लस किया तो 7 सबट्रैक्ट किया तो 8 आया। अब यहाँ पर 8 है, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, 8 में क्या प्लस हो गया, यहाँ पर 10 प्लस हो गया यहाँ पर, तो 18 हो गया, और 18 में से माइनस 10 हो गया तो यहाँ पर 8 हो गया। यहाँ पर 9 में 6 प्लस करेंगे तो क्या होगा, 15, और 15 में से क्या सबट्रैक्ट करें, माइनस 6 कर देंगे तो ये 9 आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन आपको करना है। यू गिव अ 10 रुपी नोट टू द शॉपकीपर। एक दुकान वाले को आपने 10 रुपये का नोट दिया, क्या करने के लिए, एन इरेजर फॉर ₹2, 2 रुपये की एक इरेजर के लिए आपने 10 का नोट दिया। हाउ मच विल यू गेट बैक। 10 का नोट आपने दिया किसको, दुकान वाले को, और एक इरेजर खरीदी 2 रुपये का, तो क्या होगा, 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8, आंसर क्या होगा, 8 रुपीज आपके पास में बचेंगे। कलर 12 बॉक्सेस ग्रीन एंड 6 बॉक्सेस येलो, हाउ मैनी बॉक्सेस आर कलर्ड इन ऑल। आपको कोई 12 बॉक्स को ग्रीन करने हैं एंड 6 बॉक्स को येलो, हाउ मैनी बॉक्सेस आर कलर्ड इन ऑल, और टोटल फिर जब दोनों कलर दो कलर मिला के काउंट करेंगे कि 12 बॉक्सेस जो आपने ग्रीन किए हैं, 6 बॉक्सेस जो आपने येलो किए हैं, तो टोटल कितने हैं। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।